एनटीपीसी और जेएसडब्ल्यू कोल कंपनी को बादम गोंदलपुरा के ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्रामीणों के विरोध के कारण सीमांकन कार्य किए बिना वापस लौटे एनटीपीसी अधिकारी। बड़का गांव एनटीपीसी बादम कोल खनन परियोजना क्षेत्र का सीमांकन कार्य के लिए आए एनटीपीसी के अधिकारियों को बादम गोंदलपुरा रुद्दी गांव के ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। ग्रामीणों के भारी विरोध को देखते हुए एनटीपीसी के अधिकारियों को सीमांकन कार्य बिना बैरंग वापस लौटना पड़ा। साथ ही जेएसडब्ल्यू मोत्रा कॉल ब्लॉक के अधिकारियों का विरोध किया गया। विरोध को देखते हुए जेएसडब्ल्यू के अधिकारी भी वापस लौट गए। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि कंपनी के द्वारा अभी तक ग्रामीणों की सहमति के लिए बिना ग्राम सभा नहीं किया गया है। गांव के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को सूचना दिए कंपनी के लोग हमारी जमीन पर सीमांकन करने के लिए आए थे। हम ग्रामीण किसी भी कीमत पर बिना ग्रामीणों की सहमति बने अपनी जमीन पर किसी भी कंपनी को कोई भी कार्य करने नहीं देंगे। वहीं बादम ग्राम प्रधान सह मुखिया दीपक दास ने कहा कि एनटीपीसी और जेएसडब्ल्यू कोल कंपनी के विरोध में 29 सितंबर को एक बैठक बीएमसी मैदान में किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि बादम कोल ब्लॉक 12 साल पहले एमटा कंपनी को, मोत्रा कोल ब्लॉक निको जायसवाल कंपनी को आवंटित किया गया था। सरकारी प्रावधान के अनुसार कोल ब्लॉक आवंटित होने के बाद जो कंपनी 48 महीने में खनन नहीं कर पाती है तो उसे जमीन वापस रैयत को किसान को दे दिया जाता है, लेकिन सरकार के इस प्रावधान को धात बनाते हुए कंपनी अपने आप से जमीन ट्रांसफर कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जमीन हमारा है, हमारे युवक बेरोजगार हैं और बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। गोंदलपुरा मुखिया प्रतिनिधि सह सांसद प्रतिनिधि श्रीकांत निराला ने कहा, जिस प्रकार से इंदिरा गांव में किसानों को जमीन वापस हुआ उसी प्रकार यहां के भी किसानों को जमीन सरकारी प्रावधान के अनुसार वापस करवाने का काम किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन करने वालों की संख्या महिला पुरुष में हजारों की थी। तो कह सकते हैं मोत्रा आजाद नगर बादम का जो कड़वा मैदान है ना, वहीं पर बैठक होगी, क्योंकि बिना ग्राम सभा के इजाजत के। दूसरा है कि 12 साल हो गया जब जसवाल निको मोत्रा लिया था और एमटेक कंपनी बादम और डीबीसी गोंदलपुरा में आया था लेने के लिए 2006 में। 12 साल से 13 साल हो गया है और कंपनी का रूल है कि 48 महीना में जो कंपनी खनन नहीं करती है किसान को जमीन वापस जाता है। जो जो लोग जमीन दिए थे उनसे भी अपील है कि आप लोग जो मुआवजा लिए हैं उसका फोटोकॉपी और जमीन का कागजात पुराना वाला हमको दीजिए। हम लोग जो कमेटी है, हम लोग जैसे इंदिरा का जमीन वापस हुआ वैसे इन लोग से भी जमीन वापस लेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए और दूसरा कि बिना देख रहे हैं कि पश्चिम में एक लड़का मरा लेकिन एक घंटा भी मशीन नहीं रोका, आधा घंटा भी नहीं, जबकि उसके यहाँ काम कर रहा था। ये एनटीपीसी कंपनी और त्रिवेणी और जो भी कंपनियां हैं उसको मानवता नहीं है, आदमी नाम का चीज नहीं है। हमारे लोग यहाँ बेरोजगार है और बाहर से आके आप देख रहे हैं त्रिवेणी सैनिक का गाड़ी में ये बाहर से लोग आकर के काम कर रहे हैं, यहाँ के लड़के विरोध करते हैं तो 19 लोगों को निकाल भी दिया। इसलिए सबक सीखिए ये, और फिर से दूसरा केस भी बेल होने के बाद एक दूसरा केस भी उनके ऊपर डाल दिया गया। इसीलिए हम लोगों को सबक लेना चाहिए। पश्चिम में जो एनटीपीसी किया है या बादम में हमारे पूर्वी क्षेत्र गोंदलपुरा में अंबाजीत में इस तरह का कांड नहीं होने देंगे। इसलिए जनता सब लोग एकजुट रहिए और दलाली जो गांव के लोग कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है गांव में उस दिन भी बैठक में आ जाएं। अगर कंपनी के साथ रहेंगे तो हम लोग आपके खिलाफ सामाजिक दंड।